हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर डिजिटल ऑफिस एट वेदांत। तो कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? मेरी आवाज बराबर आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज बराबर आ रही है? आवाज जोश में आ रहा है? जल्दी से बताओ। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बल्ले बल्ले हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो मैं बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले, उसके बाद में बाकी सबको हाय बोलता हूँ। बाप रे, फोन पे यूट्यूब चालू अब इतना ऐड। सॉरी बच्चों आवाज के लिए, मैं यहाँ पे कोई इलीगल चीजें नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बट एनीहाउ पीपल, थैंक यू सो मच, वेलकम टू दिस सेशन। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने पहले सेशन में जितना धमाका किया तो उससे कहीं ज्यादा धमाका आज हम करने वाले हैं। वी आर गोना स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भाई आपके आगे आने वाले सारे टॉपिक्स का बैकबोन है। समझ रहे हो क्या ये बैकबोन है? ठीक है, अगर ये बैकबोन फिक्स नहीं हुआ तो फिर आपकी बॉडी ऐसे चलेगी, समझ रहे हो? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्सेंट्रेट इन टुडेज सेशन, और ये काफी छोटा टॉपिक है। साथ ही साथ आपका राइट हैंड थंब रूल का इसमें ऐसे तड़का लग जाता है तो मजा आता है। तो शुरुआत करेंगे हम हमारे होमवर्क रॉकर्स की तालियों के साथ, जिन्होंने पिछले सेशन में जो होमवर्क दिया था, जवाब सबसे पहले जिसने जवाब दिया था उनको हम भाई तालियों से स्वागत करेंगे उनका। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे टू दी मेंटी क्विज, जिसमें हम रीकैप करेंगे कि पिछले सेशन में जो किया था हमने वो आपको याद है कि नहीं, क्योंकि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और उनका जो कंक्लूजन था वो भाई आज के सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो सवाल होंगे आपके फ्लैशबैक राउंड में, उसके बाद आपके सामने आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन राइट हैंड थंब रूल, और ये सिमुलेशन के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि भाई दिमाग में बस जाता है ना, फिर मजा आता है। फिर उसके बाद मेंटी क्विज बेस्ड ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर एक और। तो दो दो मेंटी क्विज है आज, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सेशन के दौरान मैं आपको बताता रहूंगा भाई कौन कौन से बोर्ड क्वेश्चंस कहां कहां पे और कैसे कैसे आते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए, जो आपके टर्म टू में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो रेडी हो तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैंने मुझे पता, मैंने बाल कटवा लिए। आई नो बाल बहुत जड़ रहे थे तो हमने कटवाई थी। मैं तो भाई टकले होने के लिए गया था वैसे, आई वेंट भाई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, भैया बाल काट दो, पूरे निकाल दो। उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा छोटे कर दो पहले, छोटे करने के बाद अगर बच जाते हैं बाल तो फिर रख लेना, वरना फिर पूरा निकाल देना। आई विल बिकम जेसन स्टेथम, आई एम हैप्पी विद दैट। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो अब मैं सबको हाय बोल देता हूँ। हाय सुजय, कैसे हो आप? मुशफीना जी नमस्ते, श्रेया जी नमस्ते, नमस्ते अरुण जी, नेहा जी, हाय उदय, हाय हाय डिंकी जी नमस्ते, प्रगति हाय, शौर्य हाय, हाय तेजस, हाय अक्षत, दिव्या, आता जी, प्रिया, अदिति, जैस्लिन, उदय, हाय अब्दुल्ला जी नमस्ते, अरे नमस्ते डिंकी जी, अरे शायरन जी नमस्ते, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव जी कैसी हो आप? बढ़िया एकदम, ठीक है। शिवम जी नमस्ते, थैंक यू मनीष, शुभशिला जी, थैंक यू सो मच। ओके पीपल, सो विथ ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स एंड लव, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड गेट स्टार्टेड। बस इतना ही है कि भाई आज हमारा अपना हम लाइक टारगेट रखेंगे, ठीक है। अभी सेशन शुरुआत होने से पहले आपने 400 लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टारगेट हमारा है 1500 लाइक्स बाय द टाइम सेशन एंड्स, पक्का 1500 लाइक्स एंड लॉट्स ऑफ फन। ठीक है, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ए पुष्पा सब्सक्राइब करना। एनीहाउ, वन मोर वेरी यू नो इंटरेस्टिंग थिंग टूडे, वन मोर सरप्राइज टूडे, आई टेल इट यू। इफ द सेशन एंड्स एट 8:45, इफ द सेशन डज नॉट एंड एट 8:45, आई विल नॉट टेल यू दैट। ठीक है, इफ द सेशन एंड्स एट 8:45, आई विल टेल यू द सरप्राइज, अदरवाइज आई विल नॉट, स्टे टिल 8:45। कूल, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ आगे। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस कर लिया, आज हमारा सेकंड टॉपिक है, उसके बाद इतने टॉपिक्स बचे हैं जो हम अगले हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई गिव यू गाइस एज अ होमवर्क, नेम अ डिवाइस इन योर हाउस व्हिच यूजेस मैग्नेट्स एक्सेप्ट स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स। काफी बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे, और बहुत ही दमदार, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे साथ, कितने तेजस्वी लोग हैं ना। सो वी हैव सोहम जी, डोरबेल होता है ग्रेड 6 टॉपिक, अच्छा डोरबेल उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ग्रेड 6 टॉपिक, बिल्कुल सोहम जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया। प्रांजल जी भी हमारे साथ है, तो लगाओ सोहम की जय, बोलो प्रांजल की जय, बोलो आयुष की जय, और बोलो स्वप्नेश की जय, बच्चों जोर से बोलो जय 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 जय, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जोर से बोलो कोल डेम, ओके, पता नहीं भाई, कोलनल डायम, अच्छा अमेजिंग जी, फैन बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इवन डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट, अरे ये हुई ना बात, ये बेटा। दिया वगीशा जी कैसी हो, बहुत दिनों के बाद, थैंक यू सो मच। इधर उधर देखने पे मुझे माई प्रिंटर रेफ्रिजरेटर दिखाई दिया, अच्छा, इधर उधर देखा फिर दिखा रेफ्रिजरेटर, बहुत बढ़िया। विलास जी कह रहे सर वॉशिंग मशीन, मस्त सुपर सेशन सर, थैंक यू सो मच यार बेटा, आप लोग ताली आप लोग मचा रहे हो, जिन्होंने लास्ट क्लास मिस कर दिया जाओ देखना बेटा,
शुरुआत से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है चलो बल्ले बल्ले, सारे बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि आज बल्ले बल्ले होगा, राइट हैंड अमरूल में बल्ले बल्ले करेंगे हम, ऐसे बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है चलो जोर से बोलो बल्ले बल्ले, शुरुआत करते हैं सेशन की। आ जाओ फ्लैश बैक पे, लेट्स गो फॉर द फ्लैश बैक। दो सवाल आपके सामने आएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे मजेदार। थैंक यू सो मच पीपल। हाँ आई नो त्रिमन जी, रिजल्ट आ गया है, हमने वीडियोस बना भी दी, आप देख लेना हमारे चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे। अमित सर ने कल वीडियो बना दिया था, अंकना मैम ने वीडियोस बना दिया है, तो देखना बहुत अच्छे से बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 1000 ऑफ यू गाइस आर हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, पीपल रियली मींस अ लॉट। यू इग्नोर वाई समीना जी, बिकॉज हर्ष सर पेड 10,000 रुपीज टू इग्नोर यू, अदरवाइज वाई वुड आई इग्नोर यू। मनी सेंड मनी, आई विल इग्नोर यू, बट यू वांट मी टू इग्नोर श्रीवास्तव जी, यू सेंड मी मनी, आई विल इग्नोर सानवी फॉर लाइफ, सेंड मी मनी, इट्स ओके, सेंड मी। Anyhow, we have reached almost 200 plus students here. We'll wait for this number to become 700. जैसे 700 होता है, हम start कर देंगे। Thank you so much, Sanjana. Sir, is phone also the answer? Phone, yeah, speakers definitely can become. Hairstyle OP, अरे शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी आ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ। New haircut is lit, अरे शुक्रिया शुक्रिया बच्चे। आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है इसमें? मैं तो हमेशा ऐसे कटवाता हूँ। Always cut like this. अब थोड़ा मोटा हूँ, थोड़ा फेस गोला हो गया, वरना थोड़ा अच्छा लगता है ना। आई नो, कोई बात नहीं, जुड़ जाओ भाई। कितना वेट करवाओगे? बच्चे मेरे को बोलते हैं सेशन के बाद कि सर 10 मिनट का टॉपिक था, 45 मिनट से सेशन ले लिया है। इसके वजह से होता है बच्चों, मेरी वजह से नहीं होता, आप लोग नहीं जुड़ते हो, मेंटी करवाना भी है, है? जुड़ो जल्दी से। देखो चैट बोल रहे हैं बच्चे स्टार्ट करो, मैं कर दूं, बाकी बच्चे ना जुड़े पक्का। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 550 बच्चे हो गए हैं। ठीक है ओके, स्टार्टिंग राइट नाउ। हरी कृष्णा जी 10, लक्ष्य जी 9, धर्मेंद्र जी 8, तुषा जी 7, आयुष जी 6, शौर्य जी 5, हेतु जी 2, प्रीति जी 1 एंड अंजलि जी 0। हियर वी गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। डिंकी जी आपके लिए स्पेशली 0-0, ये रहा आपके लिए पहला सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन पीपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी इनकरेक्ट वन। चौधरियों इनकरेक्ट वन बोल रहा हूँ। Iron filings show the shape of magnetic field produced by a bar magnet by aligning themselves with the magnetic fields. A compass consists of a tiny pivoted magnet, usually in the form of a pointer, which can turn freely in the horizontal plane. A compass needle do not reflect it when brought near a bar magnet. The strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of the field lines. इनमें से कौन सा जवाब है जो incorrect है? बेशर्मो incorrect है। तीन बार टीचर ने बोल दिया incorrect। इसके बाद भी अगर correct statement का अगर आपने choose किया ना, सच बता रहा हूँ, इतने अंदर से ज्वालामुखी निकलेगी, पेन फेंक के मारूंगा। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया तानिया जी, यस ओम पांडे जी, बहुत बढ़िया, ये हुई नहीं बात। हरी कृष्णा जी बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक पीपल। दीपेश वेरी गुड, कुमार वेरी गुड, शौर्य जी, पल्लवी जी बहुत बढ़िया। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज कांग्रेचुलेशंस पीपल, 472। 70% ऑफ यू गाइस गॉट द करेक्ट आंसर, यू आर ऑसम। जो बाकी 30% है thank you, let's check out the leaderboards and let's go forward, theek hai chalo great, here we go sir, you're right, oh very good good job। kon hai aaj, kya menti ko kaise istemal kar rahe ho, messenger ki tarah, matrimony ki tarah dekh lete hain। piyush dear, hathi ka beta goli, your op, hathi ka beta goli, kon hai ab mujhe hathi ka beta bol doge, piyush batana zarur hai, clarity nahi mili, ya bahut sare hathi hain, har survey mein 90 pe pahunch chuke, let me know। prabhanjan ji bahut badhiya, livanshu big fan sir, thank you so much beta। yash moda ji क्या बैठे कैसे बेटा। चिरंजीवी 11th क्लास AKR अन्ना ओपी, सो स्वीट चिरंजीवी। सर मैंने पोएम लिखी फॉर यू गूगल चाचू, अरे भेजना जरूर इंस्टाग्राम पे बेटा। मानसी जी ट्वीट टू टेडी गुप्ता ओनली 96 सेट, टेडी क्या बोलूं मैं तुम्हें, 96 आ गए तुम्हारे परसेंटेज में, तीन लोग और पास हो जाते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें, डोंट बी सैड, इट्स ओके, बी हैप्पी। कुमार उत्सव फॉर्मली फॉर्मरली बाजी बज्जी, फॉर्मरली बज्जी, आई कांट डिसाइफर दिस ऑल थिंग्स, आई कांट डिसाइफर, सॉरी पीपल आई कांट डिसाइफर, इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, मैंने बीटेक, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बेवकूफ, बस बात खत्म। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ एंड एंड एट द नॉर्थ, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड एट द ईस्ट पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एट द वेस्ट पोल। स्पेशल क्लैप्स फॉर पीपल एट द एंड इन अ डिफरेंट वे हु वोट फॉर ऑप्शन बी एंड डी।
या स्पेशल क्लास फॉर दीज पीपल, मतलब घुटने टेक देंगे हम, है ना, और ऐसे हाथ रख के लेट जाएंगे उनके चरणों पे अगर ऑप्शन बी और डी सवाल जवाब सही आता है तो। कितने बच्चों देख लीजिए, ठीक है, चलो 15 सेकंड और आपके पास। पूरे देश के ऑलमोस्ट 800 बच्चे वोट डाउन कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा बुड़बक कौन है, ठीक है, दिस इज नॉट टू फाइंड आउट द पर्सन ऑफ द लीडर बोर्ड, नो, बुड़बक कौन है सबसे पहले देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा है आज। 1000 बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब में सेशन को, 1000 बच्चों के सामने, अरे वाह, 161 प्लस 3 164, ये तो फिर भी कंफ्यूजन समझ में आता है मेरे को, क्या बात है। चलो बच्चों, सारे लोग प्लीज लिखे चैट पे सलाम, प्लीज लिखो सलाम, सबको सलाम, सबको। इन्होंने बोला कि ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड एट द ईस्ट पोल, बुड़बको कहां होता है ईस्ट पोल एक मैग्नेट के अंदर, नहीं बताना मेरे को, यहां पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया अगर, तो कहां होगा ईस्ट पोल, उसके चाचा के घर पे, चौधरियों हैं, पेन भी गिर गया देखो, वो भी बोल रहा है मैं अभी चरणों पे, बेशर्मो कैसे होगा ऐसे। सो ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड द वेस्ट पोल, वेस्ट पोल पे कैसे होगी आप लोग की शादी, पूछा जाता है या जब लड़की देखने जाते हो तो घर वाले पूछते हैं नॉर्थ पोल से आता है साउथ पोल से आता है, बता जल्दी से, आप ईस्ट पोल बोले तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे दरवाजा ईस्ट की तरफ है सीधा निकल दो बाहर, ऐसे बोलेंगे वो, अक्षर की शादी ऐसे हुई थी, पूछा गया था उनसे ये सब, आप जवाब दिया उन्होंने, मेरे से ट्रेनिंग लेके गए थे, समझ रहे हो। ओके प्रबंधन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, चिरंजीवी जी बहुत बढ़िया, गूगल चाचू जी ऑन दी थर्ड, टेडी गुप्ता जी इसको हम पूरा इग्नोर मारेंगे आज क्योंकि उन्होंने 96% फिर भी सैड है हो, और बहुत सारे बच्चे नील है हमारे पास, यू नो अक्षत जी है, जसवंत जी है, यू आर ओपी, यू आर फैन, थैंक यू सो मच बेटा, मिलीश्वरी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रबंधन जी जीत चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया प्रबंधन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्लैशबैंक आप जीत चुके हो, आज देखते हैं कि भाई सेशन के एंड में जो मेंटी होगी उसमें आप जीतते हो कि नहीं। चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जहां पे हम स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को जानते हैं, ठीक है, चलो भाई आ जाओ सिमुलेशन से शुरुआत करते हैं, क्या कहते हो, ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो गया, फ्लैशबैक खत्म हो गया, अब जोर से बोलो तारारा, शुरुआत करेंगे चैट, जल्दी से बोलो तारारा, है ना, लाइक्स कितने हो गए, मेरे लाइक्स दिख नहीं रहे यार, 1000 हो गए क्या मेरे लाइक्स, अरे 857 पे का है, एवरीवन हिट द लाइक बटन राइट नाउ, चलो जल्दी से हिट द लाइक बटन, 1000 लाइक्स क्रॉस करते हैं, 800 से 1500 टारगेट दिया मैंने, 2000 टारगेट रखो आज का टारगेट, 2000, हिट द लाइक बटन राइट नाउ। तारा बोल रहे हो, चेहरे पे ऐसी हंसी है, ये हंसी मुझसे उठाई गई थी, अगर चेहरे पे ऐसे हंसी है, चलो सिमुलेट करते हैं, लेट्स सिमुलेट, वाह आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा सिमुलेशन, अगर कोई जानना चाहता है कि सर ये कहां से है आपका, कहां से मिला आपको, प्लीज चेक फॉर ओ लैब्स LABS लैब्स, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का सिमुलेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सिमुलेशन है, काफी समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर बच्चों को समझ नहीं आता कि सर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, ऐसा 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 दिखने वाला एक वायर होता है जो स्ट्रेट होता है, ठीक है, अगर इसको घुमा दोगे तो उसको सर्कल लूप बोलेंगे, अगर इसको बार बार घुमा दोगे तो उसको सॉलिनॉइड बोलेंगे, बट एनी हाउ ये स्टेट कंडक्टर होता है, यानी कि सिंपल सा वायर। अब बात ये होती है कि सर वायर के बारे में क्यों जाने हम, क्या जानना क्यों है, क्योंकि बताने की जरूरत है, दुनिया में हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई ना कोई वायर के थ्रू तो बनी गई है ना। सो इफ इन केस यू हैव टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखता है इसका, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि भाई इमेजिन करो मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने इतने सारे वायर्स पड़े हुए हैं, मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें स्पीकर्स होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर से निकलेगा शायद तो वो मेरे माइक से इंटरफियर करेगा, फिर मेरी आवाज आपको ऐसे आएगी क्योंकि इंटरफियर हो रहा है, समझ रहे हो बात को, करेक्ट। नाउ इन जनरल व्हेन यू नो आर मैन और मुसफिना रशीद जी टॉक्स, शी टॉक्स लाइक दिस, ठीक है, तो इन जनरल दैट्स हर वॉइस, दिस इज माई वॉइस,
when interference happens. You don't want that to happen, isn't it? You don't want my natural voice to become Anoop sir's voice. You don't want, because Anoop sir's natural voice is this, right? You don't want that to happen to me. So that's the whole point. So हमें समझना पड़ेगा कि उस जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो कितना इंपैक्टफुल है, क्या वो इंटरफेयर करेगा, क्या उसको कंसील करने का कोई तरीका, क्या उसको कंसील करने की जरूरत भी है, वो देखते हैं. ठीक है, तो ये आपके सामने बहुत सिंपल सा कंडक्टर है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्रीन कलर का कंडक्टर है. अब देखो इसमें आपको दिख रहा हो करंट जीरो है, देख रहे हो करंट जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे. तो आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है. तो मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, हमारे हंसु जी यानी कि हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने क्या बोला था? हमारे हंसु जी ने बोला था कि जहां पे करंट होगा वहां पे क्या होगा? जल्दी बताओ चैट पे, जहां पे करंट होगा वहां पे क्या होगा? ₹100 का चैट आया, बाप रे ₹100 का चैट क्या कहता है. सर क्या आप शादीशुदा हो? किसने पूछा ये? अक्षत ठाकुर जी. हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल. हाँ थैंक यू सो मच अनुशीला जी, हरी जी, यस शिवम, यस एवरीवन हु गिविंग द करेक्ट आंसर. जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे करंट नहीं है इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं इस करंट को बढ़ाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी आपको? बिल्कुल दिखनी चाहिए, हमारे ओरेस्टेड ने बोला हुआ है. ठीक है, तो चलो इसको जीरो से कर लेते हैं 5 एम्पियर. अरे वाह, मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हो गया. सो यस, एंड हाउ डज इट लुक लाइक नाउ? इट लुक्स लाइक इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. दिख रहा है आपको कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. ये पहला मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सब के सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. और अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई जिनका सेंटर एक होता है, मल्टीपल सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर, दे आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. तो इन सारे सर्कल्स का सेंटर पे कौन है? जल्दी बताओ चैट पे. सेम सेंटर वाला सर्कल, हाँ बिल्कुल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर वाला सर्कल, कॉन्स्टेंट सेंटर जो कहते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रिक हो जाता है. तो बताओ जल्दी से, इन सारे सर्कल्स के सेंटर पे कौन बबुआ है? हाँ, आपके स्ट्रेट वायर ही आपकी बबुआ है जो सर्कल के सेंटर पे है. तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए, Represent the magnetic field lines through a straight current carrying conductor. Or how do the magnetic field lines around a straight current carrying conductor looks like? And the answer would be the magnetic field around a straight current carrying conductor looks like concentric circles with the conductor at the center. 2 mark का सवाल खत्म. ठीक है, चलो अब मेरा सवाल आप लोगों से दूसरा भी आता है. ठीक है, ध्यान से सुनना. ठीक है, ध्यान से सुनना. अगर मैं इस कंडक्टर में करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा? अगर मैं इस सिचुएशन में करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा? वो बढ़ेगा, वो कम होगा, वो गुस्सा होके चले जाएगा, वो डिवोर्स कर देगा, क्या करेगा वो भी? वेरी गुड स्टडी, वेरी गुड शानवी, वेरी गुड पूजा, वृंदा, एवरीवन, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज. तो बहुत बड़े देख लेते हैं. तो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से थोड़ा और बढ़ा दो यहाँ पे, चलो 13 एम्पियर कर दिया, आपको दिख गया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, और बढ़ा, चलो 17 और बढ़ गई, और बढ़ा 20 पूरा बढ़ गया. इसके ऊपर फिर करंट पता नहीं दिखा नहीं रहा, सॉरी कांट डू. सो व्हेन वी इंक्रीज द करंट द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन वी डिक्रीज द करंट द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस. इट स्ट्रिक्टली गोज विद द कंक्लूजंस ऑफ मिस्टर हंसु, है ना? चलो, नाउ देयर वाज वन मोर कंक्लूजन ऑफ हंसु, व्हिच वाज दैट कंक्लूजन वाज, अगर करंट का डायरेक्शन बदलता है तो हमारे मग्गू का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदलेगा. तो यहां पर देखते हैं कि हमारे मग्गू का डायरेक्शन बदलता है कि नहीं, क्या कहते हो, बदलेगा पक्का? देखते हैं. ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है आपको चेंज करंट डायरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक किया मैंने, देख लो पहले यहां पर कौन से डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज है. हाँ, अब आर्ग्यू करो मेरे से, नहीं मेरे से आर्ग्यू करो कि क्लॉकवाइज से करो ना आर्ग्यू, प्लीज. देख रहे हैं मेरे कौन कौन है जो बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज है, सर बोलो तो सही. करंट का डायरेक्शन बदला, हाँ देखो ये भी बदल के क्लॉकवाइज बन गया है. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. तो यानी कि मग्गू का डायरेक्शन भी बदल गया, मग्गू का डायरेक्शन भी बदल गया जब करंट का डायरेक्शन बदला. करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, आप देख लो अभी एरो नीचे की तरफ हो गया, तो करंट का डायरेक्शन बदल चुका है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, बट समझाना बहुत जरूरी है. नाउ जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है आपको पर्पल कलर का, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर से दूर ले जाऊं
तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी कि बढ़ेगी? अगर मैं कंडक्टर से ऑब्जेक्ट को दूर ले जाऊं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी कि बढ़ेगी? इट विल बिकम सेम रहेगा. अरे वाह, नहीं, ऑफ कोर्स ये डिक्रीज हो जाएगी. करेक्ट, इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली डिक्रीज. क्यों? ऑफ कोर्स ही बात है भाई, एक मैग्नेट से आप दूर जाओगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा. पढ़ा हुआ है हमने, पहले सेशन पढ़ लिया हमने. करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज. कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत बहुत बढ़िया. तो एक बार सब लोग के अपने लिए तालियां मार सकते हो. एवरीवन गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. चलो तालियां मारो जल्दी से. ठीक है, बहुत 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 बढ़िया. तो मैंने दो क्वेश्चन आपको बोर्ड के बता दिए हैं. अब मैं आगे बढ़ता हूं तो तीसरा सवाल जो आप पूछते हो, बोर्ड तो डेफिनेटली पूछता है. तीसरा सवाल ये है कि सर, सिमुलेशन में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, कंडक्टर भी दिख रहा है, एग्जाम में पूछेगा हमसे द करंट इज केप्ट इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ऑन द टॉप? ना कंडक्टर दिया हुआ है, ना मग्गू दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे फिर इसका जवाब? हाउ वुड वी? दैट इज व्हेन, देखो होता क्या है, साइंटिस्ट ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है हमारा साइंस इंप्रूव करने के लिए. उन्होंने अपना दिमाग दिया, है ना, उन्होंने अपना नॉलेज दिया, उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया, और कुछ साइंटिस्ट ने अपना हाथ भी दिया. यस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हैंड रूल्स, जहां पे इन्हीं हाथों के थ्रू हम हैंड रूल्स को समझेंगे और ऐसे सवालों को कैसे करना है वो भी जानेंगे. सो द फर्स्ट हैंड रूल फॉर योर चैप्टर इज राइट हैंड थंब रूल. और ये किसका हाथ है? ये हाथ है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ये तो पहले बता देता हूं चौधरियों एंड बुड़बकों, प्लीज कृपया करके बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन में जाके प्लीज हु इन्वेंटेड यू डिस्कवर द राइट हैंड थंब रूल एंड दे गो फॉरवर्ड एंड राइट डाउन ग्लेन मैक्सवेल. ठीक है, प्लीज नहीं चाहिए. ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल भी क्रिकेट प्लेयर है, नहीं चाहिए ग्लेन मैक्सवेल का नाम, पहले बता देता हूं मैं. डोंट राइट इट डाउन ग्लेन मैक्सवेल, यू हैव टू राइट डाउन व्हाट, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. ठीक है, ग्लेन नहीं है, नेवर नेवर एवर राइट इट डाउन. ठीक है, सो इट इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल पीपल. ऑलराइट, तो मैक्सवेल जी ने अपना हाथ डोनेट कर लिया, लो बोला ले ले बता मेरा ही हाथ ले, राइट हैंड ले, लेफ्ट हैंड से बहुत काम है, अब राइट हैंड दे दिया उन्होंने, हाथ सैक्रिफाइस कर दिया पूरा. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसको भी एक सिमुलेशन द्वारा समझते हैं. सिंपल सी बात है, आपने सुभाष चंद्र बोस का वो जी का वो कोट सुना हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुना हुआ आप लोगों ने? जल्दी बताओ चैट पे, हैव यू गाइस एवर हर्ड अबाउट दिस कोट कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताया उन्होंने, सुना ना आपने, पक्का सुना होगा, कैसे इंडियन कैसे होगा, है ना, पक्का है. तो वैसे ही मैक्सवेल जी ने बोला, तुम मुझे करंट का डायरेक्शन दो मैं तुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दूंगा. ठीक है, या तो फिर उन्होंने दूसरा भी बोला, या तो यू गिव मी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और गिव मी करंट डायरेक्शन, लेकिन कोई ना कोई एक चीज दो मुझे, आई गिव यू द अदर थिंग्स डायरेक्शन. हमने बोला वाह, लो करंट का डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है. तो उन्होंने एक सिमुलेशन बताया, तो मैं सिमुलेशन आप करके दिखाता हूँ. ठीक है, इट्स अ वेरी प्रिटी सिमुलेशन जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है. अब वैसे बाय द वे, आप अगर जिफ देखना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, रियल जिफ है ये, जहाँ पे स्ट्रेट वायर है, आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए, है ना. तो वैसे आप, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रेट वायर और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, प्यारा लग रहा है ना. सो क्यूट, लुक लाइक अ बैक होल. एनीहाउ, गेट द आइडिया. यार इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी बच्चों, सेशन के एंड में आप दिलाना है. चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. हाँ सिमुलेशन करते हैं. अरे अरे यार सॉरी बच्चों, एक मिनट रुक जाना बच्चों. हाँ आ गया. चलो बहुत ही प्यारा हमारा, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, देखना इसमें.
सबको दिख रहा है? Can everyone see the simulation? जल्दी बताओ चैट पे, सबको दिख रहा है? सिमुलेशन दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं दिख रहा। अरे 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 मुन्ना मुन्ना मुन्ना, हाँ रुक जा, हाँ ठीक है। मजा आएगा, सबको दिख रहा है पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है? यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इस बंदे ने एक वायर को पकड़ा हुआ, किसका हाथ है ये जल्दी बताओ, किसका हाथ है ये? ये मैक्सवेल का हाथ है, ये अपने हाथ है मत बोलना, मेरा हाथ है सर। नहीं, अभिषेक सर का हाथ भी नहीं है, मैक्सवेल जी का हाथ है, मैक्सवेल जी बहुत गोरे थे, ठीक है? तो मैक्सवेल जी का हाथ है और मैक्सवेल जी ने एक वायर को पकड़ा हुआ है। मैक्सवेल जी ये कहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, देखो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करो, करेक्ट? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो अंगूठे का इस्तेमाल करो, दैट्स व्हाट मैक्सवेल्स कोट वाज। तो मैक्सवेल जी कहते हैं कि अगर एक कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या तो नीचे की तरफ जा रहा है, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो। रख दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला ठीक, करंट देखो, करंट भी ऊपर जा रहा है, सब दिख रहा है हमें, तो मैंने अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया। अब वो ये कहने लगे कि अगर अब क्या करोगे आप, अपने फिंगर्स को कंडक्टर के अराउंड कर्ल करोगे। तो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है, अब मेरे फिंगर्स को मैं कंडक्टर में कर्ल करूंगा ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स कर्ल अप होंगे उस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अराउंड द कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज होता है कि क्लॉकवाइज होता है, आप बताओ जल्दी से चार्ट पे, जल्दी बताओ। हाँ मुझे पता है कंडक्टर छुए तो करंट लगेगा चौधरी, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है, मार खाओगे अभी, जल्दी बताओ कि अगर कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है, अरे बबुआ, हाँ करंट ऊपर की तरफ क्या आएगा, आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, सही पकड़े, यस। सो कंडक्टर में करंट आपको ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स कैसे कर्ल कर रहे हैं आपका, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे सिनेरियो। तो ऐसे अगर मैं बना देता हूं तो मेरा ऐसे बन जाता है, विच इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज, देख लिया। तो करंट ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ, करंट नॉर्थ की तरफ है तो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगर करंट नीचे की तरफ तो क्या आ रहा है, इफ द करंट इज डाउनवर्ड, इफ द करंट इज डाउनवर्ड, करंट इज डाउनवर्ड क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, परफेक्ट 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 परफेक्ट, यस। तो क्या हो गया आपका, हो जाता है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इजी है, सबसे इजी है याद रखना है आपको, ठीक है। सो करंट इफ इट इज इन द साउथ डायरेक्शन देन व्हाट इज द आंसर, इट इज, अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, सॉरी यार, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अब देखो यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे याद रखें कि नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब मैंने ये टॉपिक आईसीसी में पढ़ाया था, एक बहुत ही होनहार बच्चे ने, हाँ मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, इसमें मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कैन यू फॉर्म अ वर्ड फ्रॉम दीज टू लेटर्स हैव रिटन ऑन दी स्क्रीन, हाँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं, यस सर डेफिनेटली, इन दोनों मिलाकर मैं एक वर्ड बना सकता हूँ, इसको कहते हैं स्कैन, देख लिया स्कैन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया स्कैन। तो एक बार जोरदार चैट में हो जाए भाई, स्कैन ओपी, है ना, तो ये आपके दिमाग से निकला है, विच इज फैंटास्टिक, है ना। तो साउथ में अगर होगा यानी नीचे की तरफ होगा तो आपका होता है क्लॉकवाइज, अगर आपका नॉर्थ की तरफ होता है तो आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो स्कैन इज अ वेरी फैंटास्टिक वर्ड टू रिमेंबर, स्कैन ओपी हो जाए, ठीक है। ऐसे मेरा भी एक था अपना जो हमने अपने मजे में निकाला था रेगुलर सेशन में, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बोल रहे थे, मैंने बोला कि भाई देखो करंट ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज है, तो मैंने बोल दिया यू ए सी डी सी, ऐसे बोल दिया, तो जैसा आपको याद रखना है याद रखो, यू ए सी डी सी, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के लिए भाई दोनों तरीके जिनको याद नहीं रह पाता, दैट्स ऑल इट इज, वरना आप तो भाई होनार हो, बहुत शेर हो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे पीपल, वी हैव कंप्लीटेड दी कॉन्सेप्ट ऑफ, वी हैव कंप्लीटेड दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट करंट यानी कंडक्टर एंड राइट हैंड थंब रूल। वैसे लग तो रहा है कि 8:45 तक हो जाएगा, बट देखते हैं, नहीं होगा तो मैं आपको सरप्राइज दूंगा एट दी एंड, ठीक है। तो रेडी हो जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं टू दी मेंटी क्विज, ये रहा आपके सामने, आ जाइए। तो यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 9859-3152 टू ज्वाइन द menti quiz राइट नाउ ऑन द स्क्रीन्स।
बबुआ आज तो मेहनत करवाओगे हमसे? अरे खुल भी नहीं रहा। खुल जा। इंडियन जुगाड़। या थैंक यू। डोंट जज मी। तंका नहीं मिलती इतनी, बैटरी बदलनी है। आई नो गिविंग मी दैट लुक, तंका नहीं मिलती, आई नो। एनी हाउ Anyhow, code is people on your screen 9859-3152. That's the code. I'll give you exactly 30 seconds more to join the quiz. जल्दी से, जल्दी उठ जाओ। अरे विवेक शर्मा जी, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है बेटा, आप जाओ जाओ वॉशरूम जाओ, जहां जाना जाओ, खाना उठाकर बैठो साथ में, कोई इशू नहीं है यार, ऐसे मत करो यार। सर वॉट इफ आई यूज माई लेफ्ट हैंड? डिंकी जी, फॉर राइट हैंड थंब रूल, हाँ यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड, but then it will be called as Dinky's left hand rule, hai na, it will not be called as Maxwell's right hand thumb rule, and instead of getting the right current direction you will getting something else, so instead of scan you would have to write down Asgar, samajh mein aaya? To aise ho sakta hai, theek hai. Now people, just a heads up, current ke sath magnetic field aur magnetic field ke sath current bhi pucha ja sakta hai ki aapko magnetic field de de current nikal, to wo scan wahan pe work out karta hai. स्कैन भी यूएसएडी से दोनों काम करता है, डोंट वरी। स्टार्टिंग द काउंटडाउन नाउ। अजगर 10, अर्णव 9, वंदना 8, काव्या जी 7, हाँ शिवानी जी 6, मानिया जी 5, रशीद जी 4, तेजस जी 3, तुषा जी 2 एंड सिमरन जी 1, मानव जी 0, श्रेया गोयल जी 0-0. हियर वी गो फॉर पीपल, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। चलो, the magnetic field near a long straight wire is described by, very easy question to ask, straight field lines parallel to the wire, straight field lines perpendicular to the wire, concentric circle centered on the wire, radial field lines starting from the wire. wah maza aa gaya, bahut easy sawal. kitne ho gaye likes bachcho? 1000-1500 ho gaye hamare likes, batao 1200 pe atke hue. chalo people hit the like button right now, agar aapne like button nahi hit kiya abhi tak to paap lagega. raat ko puspa aapke sapno mein aayegi, रात को पुष्पा आपके सपनों में आएंगी, जल्दी से लाइक बटन। टाइम इज अप एंड यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द करेक्ट आंसर पीपल, गुड जॉब, 78% ऑफ यू हैज गॉट इट एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक यार। हियर वी गो टू द सेकंड क्वेश्चन, बिफोर दैट लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। हाय सर, रोहित हियर, सर मराठी, अरे रोहित जी नमस्ते बेटा, मराठी आती तो नहीं है बट गुड जॉब है, थैंक यू सो मच। सुमित हाय सर, हर सर का गिफ्ट कर दो, हर सर गिफ्ट कर दो, हर सर आपको इट कर दो, अरे ले लो भाई, कब से हम तो बेच रहे हैं उनको, अब खरीद लोग खरीद ही रहे, हम क्या करें, हम तो बेच रहे हैं उनको, ले जाओ, खरीदने के फ्री में दे रहे, जाओ जाओ। शानी श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी वादी ही चल रही है आजकल, ठीक है। सजय जी नमस्ते, हाउ हिंदी लर्न? चिरंजीवी जी, मी यू आर आस्किंग मी हाउ हिंदी लर्न इज बाई स्पीकिंग हिंदी एंड लिसनिंग टू हिंदी, यू लर्न बेटर फास्टर, सो वी डू। मिस्टर प्रियांशु, हैप्पी होली सर, थैंक यू सो मच बेटा। शिव, हाथ दिया इज गंदा, हाथ दिया इज गंदा, समझा नहीं? ओ मैं तो वहां तक पहुंचा भी नहीं था, बुड़बक। RY4 देव फेस फैजल, देव फैज क्या लिखते हो भाई आप लोग? टेढ़ी गुप्ता सैड नहीं होवेंगी, ये हुई ना बाटड़ी जी, ये नहीं हुई, बहुत बढ़िया। नियति आर्य पवार, यार कभी आई जस्ट विश समटाइम्स द मेंटी जस्ट हैड नेम्स, समटाइम्स मेरे को इतना डिसाइफर ना करना पड़े, लेट मी टेल यू दैट ऑनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, ₹200 का आया हुआ है, क्या है? सर आई एम मैड ई, अ स्मॉल यूट्यूबर, आई वॉन्ट टू डोनेट ₹150 फॉर पुअर पीपल फॉर एवरी आंसर विच क्रॉस 80% इज मेंटी टिल द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर। अरे बाप रे, तो बच्चों चलो आपको दिख रहा है चैट, तो चलिए 80% के ऊपर जो बच्चा लाएगा मैड ई जी ₹150 डोनेट करेंगे, काफी बढ़िया मार्केटिंग प्लान हमारे मैड ई जी का। चलो बच्चों सब्सक्राइब भी कर लो मैड ई को, अगर वो ₹150 डोनेट कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है, चलो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन पीपल, ऑल द बेस्ट।
सर सॉलिनॉइड का सेशन कब होगा? अगले हफ्ते होगा बेटा, सॉलिनॉइड पर वक्त है अभी, सॉलिनॉइड का सेशन अगले हफ्ते होगा, इस हफ्ते एक और सेशन होगा सर्कुलर लूप के ऊपर, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नीडल, करंट, ऑल ऑफ दीस। जल्दी बताओ, बहुत ही सवाल, जल्दी बताओ। है इसमें अगर किसी ने भी बता रहा हूं 10 seconds, इसका जवाब जिसने गलत जवाब दिया उनके सपने में आज रात को अमित सर आएंगे चामुंडी डांस करते हुए, सच बता रहा हूं, वेरी हॉरिबल थॉट। कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल, वेरी वेल डन, 85% गॉट इट राइट। चलो 150 रुपए डोनेट करिए हमारे मैडी जी, 150 रुपए आपको डोनेट करने पड़ेंगे, अभी 80% के ऊपर आ गया बच्चों, क्या बात है भाई, पैसों की बात आती है बच्चे हमारे बहुत छाने हो जाते हैं। गुड जॉब या पीपल, डायरेक्शन ऑफ नीडल, करेंट, ऑल ऑफ दिस, आपके सपनों में आने वाले हैं अमित सर चामुंडी डांस करते हुए, ऐसे नहीं, चामुंडी डांस डिफरेंट होता है। रेडी? ओके। सो चिरंजीवी जी, शानवी जी, प्रियांशु जी, बेटा हैप्पी होली आपको भी, शिव, टेडी, आर्य, कुशग्रज, अरे कुशग्रज जी कैसे हो, बहुत दिनों की बात यार। टेडी गुप्ता, रायान, मेगा जी आ गए, देखो मेगा जी आ गए मेरे टॉप 10 पे। पॉइंट ब्रेकर, यू आर माई फैन, पॉइंट ब्रेकर, यू आर माई फैन, आई एम योर फैन, ऑफकोर्स आई एम फैन ऑफ एवरी स्टूडेंट। गजब ना, बहुत बढ़िया। विवेक शर्मा जी, नहीं राइट हैंड थंब रूल में नहीं होता बेटा, वो फ्लेमिंग्स में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स, अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट डायरेक्टली, ये इसको मत देखो, इस इमेज को मत देखना, जस्ट क्वेश्चन रीड करो। अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट डायरेक्टली इनटू योर कंप्यूटर स्क्रीन, इन व्हाट डायरेक्शन वुड द मैग्नेटिक फील्ड बी? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट, इनटू द स्क्रीन। जल्दी, when will new session started YT? From this week we are starting the sessions for you to move easily. जल्दी बताओ। ओके, 15 सेकेंड और आपके सामने, 10 सेकेंड और, चलो जल्दी से, awesome, 5 सेकेंड और है। For all the students who are moving from 9th to 10th, who are waiting for the new batch, let me tell you, there is a surprise for you as well. Okay, so 390 of you guys got it right. Clockwise जवाब आया यार, जब बोला जा रहा है, स्वम सिमुलेशन तो दिखाई देता मैं आपको, है ना, रुक जाओ, so that you will understand it better. ये सिमुलेशन है हमारा, ठीक है, करंट into the screen जा रहा है, यानी कि आप थंब को रखोगे into the screen ना, अरे हाँ, ये आपका into the screen हो गया, ठीक है, थंब को आपने कहाँ रखा, थंब को आपने into the screen, स्क्रीन के अंदर जा रहा है थंब, तो क्या दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, चैट बताओ जल्दी से, क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। आई कैन सी वी हैव 1300 स्टूडेंट्स राइट नाउ हियर, और लाइक्स हमारे 2000 हो गए होने चाहिए, वरना तो भाई मार पड़ेगी भी सबको, जल्दी बताओ। यस, थैंक यू सो मच पीपल, ऑलमोस्ट 1500 लाइक्स, हिट द लाइक बटन राइट नाउ इन केस यू हैवंट, क्योंकि भाई आपका सपोर्ट वही तो है हमारे पास। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको सबको, fantastic, fantastic people, clockwise, thank you so much, this is the visualization you needed to get this answer correct, है ना, leaderboards पे देख लेते हैं, आपके सामने एक और सवाल आएगा इसके बाद। okay, बहुत बढ़िया, तो जो बच्चे अभी एंड में आए हैं, मैं बता रहा था बच्चों को कि भाई आज अगर 45 मिनट्स का सेशन खत्म हो जाता है तो एक सरप्राइज देने वाला हूँ सारे बच्चों को, तो रेडी रहना, ठीक है, ये नॉर्मल सरप्राइज होता है, बड़े बड़े सरप्राइज है, और जो बच्चे 9 से 10 में जा रहे हैं उनके लिए तो भाई हमारा सरप्राइज स्टैंडर्ड। शिव, चिरंजीवी जी, आर्या जी, बाजी जी, प्रखर जी, नॉट ब्रो बट प्रो, असम, शौर्य सर, आई एम इन 10th फाइनली, शौर्य जी नमस्ते यार सर, 91% ओनली प्रत्युष, अरे ये ओनली वाले 91%, ऐसे बोलो प्रत्युष, 91, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव गॉट। श्रेया 38 इन साइंस प्री बोर्ड, ऑल द बेस्ट श्रेया, ग्रेट जॉब यार। मिष्टी केम छो, जानुसल जी, अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, Got 96 in term 1, क्या बात है, नाम भी लिख दो अपना, हैप्पी बोलेंगे ना एकदम बढ़िया से। धनी जी, दिस इज द लास्ट मिनट, वी आर डन विद द टॉपिक टुडे, ठीक है, चलो पीपल, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, बट बिफोर दैट लेट मी टेल ऑल द स्टूडेंट्स हियर, जो 9th मूविंग 10th है, जल्दी बताओ बच्चों, जो 9th से भी 10th जा रहे हैं, कौन कौन है अटेंडर्स, हो जल्दी से चैट पे, कौन कौन अभी 9th से 10th में जा रहे हैं, तो सीनियर्स अपने जूनियर्स को हाई बोलो सब लोग, पहले वो बोल दें जो 9th से 10th जा रहे हैं, क्या बात है, अरे बहुत बच्चे हैं यार, क्या बात है, तो सीनियर जी हाय बोलो बच्चों को जल्दी से, हाँ सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे 9th से 10th में जा रहे हैं इस चीज को ध्यान से देखना जो बताने वाला हूं, एवरीवन, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस हियर, ठीक है, ये हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है, विदाउट, अरे 1500 हो गया, थैंक यू सो मच, आपका टारगेट अचीव्ड है, बट हिट द लाइक बटन, 2000 पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसी
सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा सीबीएसई ब्रिज कोर्स। अब ये ब्रिज कोर्स क्या होता है, दे आर मैंने आज से ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया एंड अपेरेंटली बहुत सारे बच्चे जो क्या कहते हैं नाइन्थ एंड यू नो टेंथ ग्रेड में ऑलरेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पहले मैं क्लैरिटी देता हूँ कि क्या होता है नाइन्थ मूविंग टेंथ ब्रिज कोर्स। देखो यार, 6 to 8 में आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, फिर आप नाइन्थ पढ़े, नाइन्थ में चैप्टर्स है आपके फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। टेंथ में आपके चैप्टर्स है लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो नाइन्थ और टेंथ के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा होगा, और ऐसे ही होता है। लेकिन 6 to 8 और 9 के बीच में रिलेशनशिप है, 6 to 8 और 10 के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो बीच में गैप आ गया ना एक साल का, वो आपका तो भाई बुद्धि भ्रष्ट हो चुका होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी ऑल रिक्वायर अ ब्रिज टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर गैप, टू ब्रिंग योर इनसेन माइंड टू सैनिटी। यही पर्पस इस ब्रिज कोर्स है। ये एक हफ्ते का ब्रिज कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश पूरा का कोर्स होता है। 1000 रुपए का है, मैं दिखा देता हूँ कितना है। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स और जैसे आप आ जाओगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख लो आप, 1080 रुपीज पे है आपका, क्योंकि मेरा कूपन कोड लगा हुआ है AKPRO1 इस पे लगा हुआ है, दैट्स द कूपन कोड विच यू नीड टू अप्लाई AKPRO1। और आप AKPRO का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वन और प्रो दोनों चल सकता है। सो क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कूपन कोड, इट्स 1080 ऑलरेडी, अदरवाइज आपको मिलेगा 1200 पे। आई डोंट थिंक यू नीड टू पे 120 रुपीज एक्स्ट्रा। सो जस्ट क्लिक ऑन बाय कंप्लीट कोर्स एंड हियर वी गो, बस इतना ही करना है आपको। एंड यू विल बी एनरोल्ड इन अ 1 week बैच जहां पे, और आज से सेशन चालू हो चुके हैं, सो यू आर ऑलरेडी लेट, मेक श्योर दैट यू जॉइनिंग इन, ठीक है। और ये 9th मूविंग 10th वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे, अब एक और खास खबर मेरे सारे शेयरों के लिए, अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे 10th का पूरा कोर्स ले रहे हैं, ध्यान सुनो, जो बच्चे 10th का पूरा कोर्स ले रहे हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 2023 का, आपका टर्म 1 टर्म 2 कवर हो जाएगा, आपको फुल सिलेबस रिवीजन मिलेगा एट द एंड में, आपको IMO, NSO, IEO, NTC इन सब की फ्री प्रिपरेशन की जाएगी, आपका टर्बो मैथ भी फ्री प्रिपेयर किया जाएगा, इन सारे एक्स्ट्रा चीजों के साथ वेदांतु, जो पता है आपको सारे फीचर्स वेदांतु के, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, बट यू हैव द क्लियर आइडिया। इस बैच में जो ज्वाइन करता है, यू हैव द एंटायर कोर्स जस्ट फॉर 27K। इसमें जो एंटर करता है बच्चा, उसको ब्रिज कोर्स फ्री में मिलती है, जो भी ब्रिज कोर्स है हमारा वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू एंटर इनटू दिस बाय क्लिकिंग ऑन बाय कंप्लीट कोर्स, और आपके सामने ये कूपन कोड आ जाएगा, ये आगे आपके सामने कूपन कोड। अब 27K आपको पूरे तरीके से, ये एक्चुअली कोर्स इसका 30K का है, बट सिंस यू आर अप्लाई माय कूपन कोड आपको मिल रहा है ये 27K पे, और 27K पे आप EMI के थ्रू से ले सकते हो। तो 0 interest EMI पे क्लिक किया, और जो EMI पे लेना आप EMI पे ले लो, डेबिट कार्ड क्रेडिट दोनों काम करता है। सो दिस फॉर ऑल 9th मूविंग 10th स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। नाउ 10th वालों के तो हमने बता दिया था, है ना, 10th वालों के तो हमने बता दिया ऑलरेडी। 10th वालों के लिए क्या है भाई साहब, 10th वालों करना क्या है बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप हो इसी में, जब वो ऊपर जाओगे आप, जो 10th में अभी ऑलरेडी हैं, जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, JEE और नीट का सपना पूरा करना है, तो 10th वालों करना क्या, यहाँ पे चूज करना दृष्टि नीट बैच या तो दृष्टि JEE बैच, जो भी आपको करना है। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है 11th एंड 12th कॉमर्स बैच, आपकी मर्जी है। तो JEE आप ले रहे हो तो JEE यहाँ पे ले लिया आपने। JEE वालों, जो बच्चे अभी ले रहे हैं, उनको टर्म टू रिवीजन फ्री में दिए जा रही है, और JEE का प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल तक का वक्त है, तो बहुत वक्त है। तो इस पूरे का भाई कोर्स का प्राइस है 60,000 रुपीज, लेकिन क्योंकि आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर रहे हो AKPRO1, आपको ये मिल जा रहा है 54,000 रुपीज, दैट्स इट। इसको 1 क्यों बोल रहे हैं, AKPRO में के सामने 1 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे पहले बैचेस हैं इसलिए, ठीक है। और साथ ही में अगर कोई बच्चा इसका ट्रायल लेना चाहता है, तो ट्रायल आपके पास 15 डेज का है, जो है 1350 पे। तो यू ऑलवेज कैन क्लिक ऑन दिस और बाय कंप्लीट कोर्स, जैसा आपको सही लगे एंड गेट इनटू इट, ठीक है। इसमें भी आपका EMI का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया। तो एवरीवन गिव मी क्विक बल्ले बल्ले, बिकॉज वी आर गोइंग टू द लास्ट मेंटी क्विज, एंड आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि डोंट लूज आउट दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, आप लोगों ने मेरा सैटरडे का सेशन देखा होगा, है ना, देखा आप लोगों ने मेरा सैटरडे का सेशन, जल्दी सब ने मेरा सैटरडे वाला सेशन देखा था, एक सेशन हमने लिया था, देखा होगा शायद आप लोगों ने, नहीं देखा तो दिखा देता हूं। ये सेशन था हमारा, कहाँ गया, 4 crore, ये वाला देखा था, जहां पे हम सारे टीचर्स ने मिलकर आप लोगों को 4 crore का डोनेशन दिया था। इसमें, इसके थ्रू क्या बताऊं मैं आपको, इतने सारे बच्चों ने भरोसा करके हमारे साथ एनरोल किया है फॉर JEE 2 years, नीट 2 years, मतलब खुश हूं मैं आज।
इसीलिए मैं आज एक सरप्राइज रख रहा हूँ, अगर मैं 8:45 पे सेशन खत्म कर देता और मैं रख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं करूँगा इसे, कि वो सरप्राइज क्या बताऊंगा आपको मेंटी के बाद, आखिरी सवाल के बाद, ठीक है? तो रुक जाना क्योंकि आज हम करेंगे, हमने कभी किया नहीं ऐसे, लेकिन करेंगे, ठीक है? तो गेट रेडी पीपल, हमारे सामने आपका आखिरी सवाल, ऑन योर स्क्रीन्स, हियर वी गो, ऑल द बेस्ट। 1000 बच्चे अभी भी हमारे साथ, सेशन के अंदर टिके रहना, बताने वाला आपको सरप्राइज क्या है। 8:45 तक हो जाएगा हमारा सेशन, दिख रहा है क्लियरली। The strength of magnetic field on a straight current carrying conductor is inversely proportional to the distance from the conductor, inversely proportional to the square of the distance from the conductor, same everywhere, directly proportional to the distance from the conductor. क्या बात है, बहुत इजी सवाल, बहुत ज्यादा इजी सवाल, fantastic. 24 seconds more, 23 seconds more, come on people, here we go, 20 seconds more. बहुत इजी सवाल, ये हमने कर लिया था ऑलरेडी, बता दिया मैंने आपको, क्या बात है सर। सुपर 30 कब होगा? सुपर 30 तो चल रहा है ना, फिजिक्स का नहीं हुआ, तो फिजिक्स का हो जाएगा जल्दी, पहले मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट कर ले, अप्रैल में चालू कर देंगे, अप्रैल में स्प्रिंटेक्स भी आ जाएगा आपका और ये भी आ जाएगा मैराथन, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। टाइम इज अप पीपल, बहुत इजी सवाल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई जब डिस्टेंस बढ़ती है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है ना सब्जेक्ट पे, यार आप दूर जाओगे मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ना आप पे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ चौधरी हूं, 44%, ठीक है। सरप्राइज का बता देता हूं, फिर हम लीडर बोर्ड देखेंगे। For every student who wants to talk to me or wants to share the same screen with me, मैं immediately session के बाद Instagram live करने वाला हूं for 10 minutes. तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मेरा Insta ID है abhishek_sir_vedantu. तो वहां पे हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि YouTube में हो नहीं पाता हो तो बातें वहां पे कर सकते हैं, थोड़ा सा और पर्सनलाइज हो जाएगा। मैं लोगों को मेरे साथ लाइव में जुड़ने का मौका भी दे दूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर बात भी कर लेंगे, है ना? आपके जो सवाल होंगे आप उनसे वहां भी पूछ सकते हो, जो आपको पूछना है सवाल, पर्सनल, नॉन पर्सनल, जैसा भी आपका सवाल हो आप पूछ लेना वहां पे, ठीक है? सो दैट्स द सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टुडे, आई वांट टू डू दिस फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम, तो पीपल नोट डाउन कर लो, abhishek_sir_vedantu, दैट्स माई इंस्टा आई डी, और वहां भी फैमिली के साथ जुड़ जाओ हमारे, फॉलो करना स्टार्ट कर देना, तो आते हैं, ठीक है? रेडी? तो हियर वी गो फॉर द लीडर बोर्ड्स पीपल, जैसे सेशन खत्म होगा उसके 1 मिनट के बाद, ठीक है? ओके ओके, शिवजी जीत रहे हैं क्या? अरे क्या बात है, शिवजी जीत रहे हैं कि चिरंजीवी जीत रहा है? चिरंजीवी 1 पॉइंट से जीत चुका है, क्या बात है चिरंजीवी जी, शिव जी, बजी जी, बाजी से कैसे हुई, कैसे हो आप? अच्छा भाई, अच्छा यू, अच्छा ऐसे लिखा था आपने फॉर्मली बाजी, ओके 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 बेटा, अब समझ में आया। रुद्रांश जी, टिसिया जी, साइंस ब्रीबोर्ड में 38, अच्छा ठीक है बेटा। हरमन जोत जी, अम्मा मेते अक्का एम मीटर, अच्छा ठीक है अम्मा मीटर, हाँ बिल्कुल। मेघा कपूर जी, शानवी श्रीवास्तव जी, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन एवरीवन, और अभी फेमस बनाना बनता है हमारे चिरंजीवी जी को, क्योंकि सूर्य जी तो भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं यूट्यूब पे, उनको फेमस बनाना जल्दी बनता है, क्या कहते हो? आ जाओ। हे गाइस व्हाट्सअप, तो सुजीत जी हमारे जी चुके हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट के सेकंड सेशन को, क्या बात है। और आज हमने मेरे एक और सरप्राइज दिए, जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, अभी abhishek_sir_vedantu में जुड़ जाना, वहां पे मैं लाइव आ रहा हूं। चलो डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन चिरंजीवी जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग के लिए आज होमवर्क भी दिखा देता हूं मैं जल्दी से, हाँ जल्दी देख लो बेटा, हाँ। Who has stated the right hand thumb rule? That's simplest question. You have to let me know that in the comment section. Also let me know which was your favorite part today. मिलते हैं session के end में। चलो आ जाओ इंस्टा पे। मिलते हैं बेटो। This is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home. Stay safe. And stay strong. And I'll catch you guys in the next session. Peace. Next topic: circular loop.